चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वही परीक्षा में धांधली और छात्रों पर पुलिस अत्याचार को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के पास जुल्म, ज्यादती और अत्याचार सिर्फ 3 हथियार है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार छात्रों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ विश्वासघात कर रही है और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता सरकार के तानाशाही चरित्र को उजागर करती है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा कि छात्र छात्राओं के साथ डबल इंजन सरकार की पुलिस का व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। युवाओं के दमन के खिलाफ देश भर में इनकलाब होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी। हाय हाय। नरेंद्र मोदी। हम नहीं कटा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।